आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए माँ कि उनको एक खरोच ना आए। हम तो एक ही लिए प्रार्थना करेंगे कि आज का रात उनकी जिंदगी का आखिरी रात है। अगर आज हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं आए तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो अब तक हम आपसे छुपाए रखे। वो सच ये है कि आपका बेटी किसना अब ये दुनिया में नहीं है। ये कहाँ नाटक है माँ? क्यों किया? क्यों किया? क्यों चले गए? अब राधिका और माँ जी का कहाँ होगा? कहाँ होगा? झुमकी, बस, बस। बहुत ज्यादा नौटंकी हो रहा है। माँ जी, अगर हम नाटक नहीं करेंगे, तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे? कि जेठ जी तो ऊपर चले गए और इसको जरा भी दुख नहीं है। थोड़ा नाटक करना पड़ा। अम्मा जी, आपने हमें जी बुलाया? सुनो, अंतिम संस्कार करना होगा। ये पैसा रख लो, अंतिम संस्कार का सब सामान खरीदना होगा। और हाँ, गांव वालों से जाके कह दो कि अंतिम संस्कार से पहले ये घर का परंपरा के अनुसार मठाधीश का घोषणा होगा। ठीक है ना? जी अम्मा जी। हेलो, कहाँ है वो दोनों? आराम से, आराम से। गंगा माँ, कहाँ चले गए थे आप दोनों? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आइए। गंगा, तुमको सही सलामत देखकर हमारे दिल को चैन मिला। अब ठीक तो हो ना तुम दोनों? शिवाय साहब, थोड़ा आराम कर लीजिए। आपका बेटी किसना अब ये दुनिया में नहीं है।
नहीं थी ना। नहीं मम्मा। कृष्णा भी अ गुड गर्ल। मुकोलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी म्यूजिक क्लास है और अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो रिलैक्स कैसे होंगी? इसीलिए तो तुम्हें तैयार किया। कृष्णा मुझे नहीं आना आपके पास। कृष्णा कृष्णा का जिंदा ना होने का खबर से आप पर क्या बीत रहा होगा हम अच्छी तरह से समझते हैं गंगा, लेकिन क्या करें हम कुछ कर नहीं सकते। गंगा माँ मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे सुलाएंगी ना? आप रो क्यों रही है? नहीं मत रोइए, स्माइल कीजिए। झूठ, आप रो रही है ना? क्यों रो रही है बताइए ना गंगा माँ? आज अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं गंगा, समझ नहीं पा रहे कि ये दुख से आपको कैसे बाहर निकालें। अरे इनमें तो चीनी ही नहीं है। अरे अरे ये तो अब चाशनी बन गया होगा। फुनती है ना ठीक से देख रही है ना ठीक से काम कर रही है, हमें तो ये लगता है इनके दिमाग में तनखजूरा घूम गया है, मेंटल आ गई है बता रहे हैं। झुमकी भाभी कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि वो क्यों कर रही है ऐसा, ऐसा क्या दुख है उन्हें? तो आप ही बताइए कि इनके दिल के अंदर कौन सा दुख का पेड़ उग रहा है, बताइए बताइए। गंगा भाभी को पता चल गया है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन प्लीज आप लोग चिंता मत कीजिए और इस बारे में उनसे कोई भी बात मत कीजिएगा, वो पहले से ही बहुत दुखी हैं वरना और टूट जाएंगे। भाभी गंगा भाभी हम कर देते हैं, आप रहने दीजिए।
जल तो नहीं गया ना? जल तो नहीं हो रहा ना आपको? बोलो। तुमने प्यार से टच किया, फूंक मार दी, अब बिल्कुल ठीक हो गया। कृष्णा! 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 ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ? हमारी कृष्णा, हमारी सागर को अपने पास क्यों बुला लिया तुमने? हमें अकेला क्यों छोड़ा? कृष्णा, या तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो और परेशान क्यों हो? वो गंगा भाभी, चाय का ग्लास टूट गया था, उसके कांच के टुकड़े फेंकने के लिए भाभी बाहर गई, अब तक नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ रह गई। हमें तो ये लग रहा है कि हमने उन्हें ऐसी हालत में जाने क्यों दी। प्रिया, मैंने गंगा बहू को अभी अभी जंगल के रास्ते की तरफ जाते देखा, आवाज भी लगाई लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। लगता है बहुत परेशान थी। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। हाँ। धन्यवाद। मैं अभी जाके देखती हूँ कि क्या हुआ है। रुको प्रिया, मुझे लगता है कुछ देर के लिए गंगा भाभी को अकेला छोड़ दो, यही उनके लिए बेहतर है। अरे लेकिन कुशल। ठीक है, अगर कुछ देर बाद तक वो वापस नहीं आई, मैं खुद जाऊंगा उन्हें लेने, फिक्र मत करो। राधिका, राधिका, साड़ी तो हमने कहीं देखी है लेकिन कहाँ? राधिका, ये तो तुम्हारा है ना? ये मैं बाहर मिला, तुम बाहर गई थी क्या? हाँ मेरा ही है, लेकिन वो नम्रता है ना मेरी फ्रेंड, वो भी इसके साथ खेलती है, वो ही भूल के आ गई होगी। वैसे माँ, मुझे ना मुझे मेरी टाई नहीं मिल रही है, आप प्लीज ढूंढ के दे दीजिए। राधिका, राधिका, आपको ये तकलीफ में देखकर हमारा दिल रोता है गंगा। आप चले जाइए इससे पहले कि आग बढ़े, आप निकल जाइए यहां से, हम आपसे कह रहे हैं। आपका बेटी कृष्णा अब
ये दुनिया में नहीं है। इस बार हमारे दिल को इतनी बड़ी चोट दी है तुमने शिव, जो जिंदगी भर नहीं भर पाएगी। हम समझ सकते हैं गंगा, ये बार बहुत गहरी चोट दी है हम आपको। शिव भाई साहब, इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए थे। भाई साहब, वो गंगा भाभी को सब सच पता चल चुका है, सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। फिर ये दूरियां कैसी? देखिए, मुझसे कुछ नहीं छुपा और आप भी मत छुपाइए, कह दीजिए। कुशल जी, गलतफहमी और बढ़ गया है। वही गलतफहमी इस जन्म में खत्म होगा या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कृष्णा को लेकर जो हम सच गंगा से छिपाए, उसके लिए गंगा हमें कभी माफ नहीं करेगी। भाई साहब, आप ऐसा मत सोचिए, आपने कोई गलती नहीं की। कृष्णा की मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। माना कि गंगा भाभी को ठेस पहुंची, लेकिन वो संभल जाएंगी। भाभी को अगर कोई संभाल सकता है तो आप ही हैं, इसलिए आप कमजोर नहीं पड़ सकते। ठीक है कुशल जी, हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो झूठी, क्या हुआ? तुम यहाँ का कर रही हो और कौन चिंता सताई जा रहा है तुमको? माँ जी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, चाहिए तो दिल पर माफ कर दीजिए, लेकिन इस घर से हमें धक्के मार के बाहर मत निकालिए, वरना हम पर पटक पटक के भी जान दे देंगे। हम कह रहे हैं। अच्छा उठो, उठो पहले, उठो। ऐसा की का हो तुम कि तुमको घर से बाहर निकालने का नौबत आए? हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब तो हम सबको गंगा भाभी के पैरों पे गिर के इसी तरह माफी मांगनी पड़ेगी। हम आज क्या बक रही हो तुम? हम बक नहीं रहे, हम बिल्कुल फज कह रहे हैं। गंगा भाभी को पता चल गया ना कि उनकी बेटी तो परलोक फिधार गई है, लेकिन वो फिर भी इस महल में वापस आई है। क्यों आई है? ताकि यहाँ पर रह कर वो रानी की तरह राज कर सके, और वो राज करेंगी तो हम पाप तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि पहले से ही उनके पैरों पे जाके गिर जाए, माफी मांग ले। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो घबरा ही गया था कि ये पागल अपना ही भांडा ना फोड़ दे। कैसे? जो कुछ भी होगा मेरे फायदे के लिए होगा। काहे कि शिव जो कृष्णा का मौत का बात गंगा से छिपा के रखा है ना, यही चिंगारी शिव और गंगा के रिश्ते को स्वाहा करने के काम आएगा, समझे? कैसा लगा? बहुत अच्छा। सॉरी, हंस क्यों रहे हो? अपना चेहरा भी तो देख लो, सर्कस वाले जोकर की तरह लग रहे हो। नहीं काका, आप ये तरह अपना जीवन अंधेरे के हवाले नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको ये दुख से हम बाहर निकाल कर ही रहेंगे। ऐसा गंगा भाभी की हालत के लिए दुखी है ना? प्रिया, हमको आपको मदद का जरूरत है। हमको लगता है कि गंगा को एक बार फिर से बच्चा लोग के बीच भेजना होगा। बच्चा लोग को पढ़ाते हुए, उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ खेलते हुए गंगा खुश रहेगी।
अगर हम गंगा को ऐसे ही छोड़ दिए तो दुख और अकेलापन इसे कभी आजाद नहीं हो पाएगी। गंगा आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, गंगा भाभी को स्कूल जाने के लिए हम मना लेंगे।